अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू अर्शद सेलिंग व्लॉग्स। एक और वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल मेरी बहनों की तरफ से, भाइयों की तरफ से, उसका जवाब दूंगा डिटेल में। वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा, इंशाल्लाह इससे आपको, आपके कारोबार को बहुत फ़ायदा होगा। बहुत से मुझे सवाल आ रहे थे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, कमेंट्स में भी, कि भाई ये जो 90% सेल्स का ढिंडोरा पीट रहे हैं यूट्यूब वीडियोस में, फेसबुक वीडियोस में, दुकानदार हैं, होलसेलर्स हैं, सुपर होलसेलर्स हैं, व्हाटएवर जो भी हैं, तो ये क्या चक्कर है? ये कह रहे हैं कि जी बड़े बड़े ब्रांड्स ये डिब्बे दिखाते हैं, बॉक्सेस वगैरह और ढेर लगे पड़े हैं इनके पास, सफ़ायर है जनाब, क्रॉस स्टिच है, इत्तेहाद है, फलां है, बड़े बड़े ब्रांड्स जो बड़े अट्रैक्टिव होते हैं, तो उनके ये ट्राले भी दिखाते हैं, ट्राले के ऊपर खड़े हैं, मस्जिद के ऊपर खड़े हैं, उसके बाद जनाब ये बॉक्सेस के ढेर लगाए होते हैं, बंडल्स पड़े हुए हैं, और कहते हैं कि जी हम आप लोगों को ये ब्रांड के नया स्टॉक है, बिल्कुल फ्रेश, कोई कट पीस नहीं है, कोई डैमेज नहीं है, कुछ नहीं है, तो ये भाई हम आप लोगों को 90% डिस्काउंट तक भी देंगे। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर एक चीज़ की कीमत 100 रुपया है तो हम आप लोगों को 10 रुपये में देंगे, 90% में, तो फिर 10 रुपये ही बनता है कीमत। 1000 रुपया होगी तो 100 रुपया बनेगी उसकी कीमत, अगर 2000 रुपया होगी तो 200 रुपया कीमत बनेगी। तो आप लोग बड़े अट्रैक्ट होते हैं, बड़ा आपका दिमाग ख़राब होता है कि भाई इतनी सस्ती चीज़ कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल 1000 रुपये का सूट है, हमें 100 रुपये में मिल जाए तो हम तो उसको 500 में भी बेचें तो पूरी दुनिया पागल हो जाएगी उसको ख़रीदने के लिए। तो बार बार बहनें मुझसे सवाल करती है कि भाई क्या ये ओरिजिनल होता है, भाई ये क्या ओरिजिनल होता है, ये कैसे पता चलेगा कि ओरिजिनल है कि नहीं है, हम लोग अगर मंगवा लें तो हमारे पैसे डूब जाएंगे, अगर वो फेक निकला तो क्या होगा, ये बहुत से डर और सवाल जो है मुझसे बहनें पूछती हैं। तो मैंने सोचा आप लोगों को इस वीडियो में इसका जवाब दे देता हूँ डिटेल के साथ, उसके बाद आपको इंशाल्लाह पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी से भी या मुझसे। एक बात याद रखिएगा कि ब्रांड्स, जब कोई भी ब्रांड, अगर फॉर एग्जांपल सफ़ायर कोई ले लेते हैं, तो सफ़ायर का जो सीज़न में कपड़ा आता है, ज़रा बात को गौर से सुनिएगा आपको समझ आ जाएगी, कि सफ़ायर का जो कोई भी वॉल्यूम या सीज़न में लॉन वो लॉन्च करते हैं, अब जैसे गर्मियों का सीज़न आएगा तो लॉन आएगी, तो लॉन में वो, ये बात याद रखिएगा कि पहले फुल प्राइस में अच्छी तरह बेचते हैं उसको कपड़े को। फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स से सफ़ायर का एक सूट आया 3000 रुपये का, तो वो अपना सीज़न में बेचता रहा है, फिर उसने उसको थोड़ी सी सेल लगा देनी है कुछ अरसे के बाद, 25-30 दिन बाद, या कोई जब ईद आ गई है, 23 मार्च आ गया है, 14 अगस्त आ गई है, या कोई भी इस तरह का त्यौहार आया है, तो उसने सेल लगा देनी है 10% 15% स्टार्ट में, वो इस तरह करते हैं, फिर उसके बाद थोड़ी सी और उसको कम करेंगे, अगर स्टॉक रह गया है तो 20% पे आ जाते हैं, फिर कम करते हैं तो 30 पे आ जाते हैं, 30 तक जाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा सीज़न में, तो इससे ऊपर नहीं जाते 25 तक, बल्कि 30 तक भी हार्डली आते हैं, 25-20 तक ही रहते हैं। अच्छा, एक इन तमाम ब्रांड्स की बड़ी सेल लगती है जो कि गर्मियों का जो स्टॉक है वो देते हैं सर्दियों में, और सर्दियों का स्टॉक देते हैं वो गर्मियों में, यानी कि जो गर्मियों का इनकी लॉन वगैरह है उसका बड़ी सेल लगाते हैं दिसंबर में, ये जो ब्लैक फ्राइडे वगैरह और जिसको ब्लेस्ड फ्राइडे हमारे बोलते हैं, और दिसंबर में, या ये जो न्यू ईयर्स आता है तो इसमें वो लगाते हैं, उसमें लॉन को ये तकरीबन 40-45 तक ले जाते हैं, इससे ज़्यादा नहीं, 40 तक हार्डली लेके जाते हैं, और कोई ब्रांड आपको बहुत अट्रैक्ट करने के लिए लगाएगा तो वो 50% तक लगाते हैं। और जो सर्दियों का स्टॉक इनका स्टफ़ होता है, सर्दियों का स्टॉक होता है बचा हुआ, उसकी ये बड़ी जो सेल लगाते हैं वो 14 अगस्त को लगाते हैं, जब आगे विंटर सीज़न स्टार्ट होने वाला होता है, तो उसमें ये हार्डली 45-50% तक, वही जो कोई बड़ा जाएगा भी गुल अहमद वगैरह, तो वो उसमें सेल करते हैं। और इन तमाम सेल्स में जो मैंने आपको बताई हैं बड़ी सेल्स, इनमें कपड़े के डिज़ाइंस वो होते हैं जो बिल्कुल थके हुए, यानी कि जो इनके पास सफ़ियाने से और वाइटिश से जो बिकते नहीं हैं वो बच जाते हैं, तो वो सेल्स में आते हैं इनकी इस बड़ी सेल्स में। और आप लोगों को भी पता होगा कि आप अगर एज अ कस्टमर जाती हैं अपने पर्सनल यूज़ के लिए, तो आपको भी वो चीज़ दिल नहीं करता लेने का, लेकिन आप कीमत से अट्रैक्ट हो कि जी 3000 वाला आया तो 1500 में मिल रहा है या 1800 में मिल रहा है तो चलो ले लेते हैं, बाकी दिली तौर पर जो आपको सेटिस्फाइड हो के आप जो
डिज़ाइन लेती हैं या कपड़ा लेती हैं वो आपको नहीं मिलता जो सीज़न में होते हैं, क्योंकि जो सीज़न में अच्छे डिज़ाइन होते हैं वो बिग गए होते हैं। अब जो 50% वो सेल लगाते हैं, 50% 45% या 40 तक भी, उसमें वो सारा स्टॉक क्लियर हो जाता है उनका, तकरीबन कोई चंद एक कपड़े रह जाते हैं। आप खुद तजर्बा करके देखिएगा, इत्तेहाद की या खाड़ी की या गुल अहमद की या कोई भी ब्रांड की, सफ़ायर की, 50% में अगर सेल लगे, ख्वाह वो आउट सीज़न ही क्यों ना हो, तो उसमें आपको स्टोर के अंदर पैर रखने की जगह नहीं मिलती। और तमाम जो अच्छे अच्छे डिज़ाइन, अच्छे क्या बुरे भी डिज़ाइन जो होते हैं वो सारे सेल हो गए होते हैं, स्टोर्स खाली हो जाते हैं, उसमें जो बेचने वाले हमारी तरह रीसेलर होते हैं वो भी उठा लेते हैं, अपने पहनने के लिए भी लोग उठा लेते हैं। यहाँ तक भी मैं आपको बात ये इसलिए बता रहा हूँ कि आगे मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि वो ओरिजिनल है कि नहीं स्टॉक जो वो 90% में दे रहे हैं। आप यकीन करें कि इत्तेहाद के मैं स्टोर पे गया हूँ, तो इत्तेहाद के स्टोर पे 50% सेल लगी हुई थी, तो उनकी जो सेल्स वुमेन थी, जो लड़की सेल्स गर्ल थी, वो कस्टमर्स को डील करने की बजाय अपने रिश्तेदारों को तस्वीरें बना बना के वहाँ से भेज रही थी कि 50% सेल लगी हुई है, तो कौन कौन सा लेना है अपनी सहेलियों को, बहनों को, घर में अम्मी को, तो वो तस्वीरें भेज रही थी, व्हाट्सएप कर रही थी कि कौन कौन सा लेना है बताओ, मैं इसको साइड पर कर लूँ क्योंकि सेल लगी हुई है। तो आप अंदाज़ा करें कि इस कदर उसकी डिमांड होती है जब वो 50% पे, ज़ाहिर है कोई 5,000 वाला ड्रेस आपको 2,500 में मिले तो आप तो डेफिनेटली लेंगी उसको, आप अट्रैक्ट होंगी। अब आपसे सवाल है कि जो बंदा आपको, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि जी मेरे पास सफ़ायर का स्टॉक पड़ा है और पूरे भी दड़े डब्बे ढेर लगे हुए हैं, तो ट्राला खड़ा है मेरा, मैं ट्राले में बैठा हुआ हूँ, तो आप जी मेरे पास इतना बड़ा स्टॉक है, मैंने डायरेक्टली सफ़ायर से उठा लिया है, ठीक है, सफ़ायर की कंपनी से, मिल से, तो आप मुझसे, मैं आपको 90% तक जो है वो डिस्काउंट दूंगा, यानी कि अगर एक सूट 2,000 रुपये का है तो आपको सिर्फ 200 रुपये में दूंगा, यही आपको कहते हैं ना। अब ये इन्हीं के टाइटल की मैं बात कर रहा हूँ, मैं अपनी तरफ से तो नहीं कह रहा कि जी 90% तक हम आपको डिस्काउंट देंगे, तो 90% को कैलकुलेट कर लें, 1,000 में से 90% निकाल दें तो 900 निकल जाता है, 100 रुपया रह जाता है। अगर 2,000 रुपये में से 90 निकालें 90% तो वो 200 रुपया रह जाएगा, 1,800 रुपये निकल जाएगा। अब अगर ये लोग आपको 90% में दे रहे हैं तो ज़ाहिर है ये भी कारोबार कर रहे हैं, इसमें से अपना मार्जिन भी रखते हैं, तो अगर ये आप फ़र्ज़ कर लेते हैं कि ये लोग 5% अपना मार्जिन रखते हैं, तो इट मींस के इनको फिर 95% डिस्काउंट पे वो सूट सफ़ायर ने दिया होगा, तो इट मींस के वो अगर 1,000 रुपये का सूट है तो इनको 50 रुपये में मिला है, तो 50 रुपये ये अपना प्रॉफिट रख के आपको 100 रुपये में दे रहे हैं, तो 90% डिस्काउंट आपको मिल रहा है, ठीक है। तो अभी ये बात समझिएगा ज़रा, फिर आपको ये कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी सारी। अब मेरा आपसे सवाल है कि सफ़ायर ने जो सूट उनका 2,000 रुपये का था वो इनको 50 रुपये में दे दिया और इन्होंने फिर 100 रुपये में आगे आपको बेचा, तो सफ़ायर का 50% डिस्काउंट लगाने पे भी, यानी कि 2,000 वाला सूट सफ़ायर अगर 1,000 रुपये में भी लोगों को खुद डायरेक्टली कस्टमर्स को दे तो वो उनके स्टोर पे बचता नहीं है, तो सफ़ायर का दिमाग ख़राब है कि वो इन लोगों को 50 रुपये में वो सूट दे के तो फिर ये आगे 100-100 रुपये में या 200-200 रुपये में सेल करते हैं। कभी आपने लिया भी है 200 रुपये का या 100 रुपये का, ये मिलता है, यानी कि स्टोर्स में जो सबसे बड़ी सेल लगती है वो 50% से ऊपर आज तक नहीं गई, वो अप टू 70% जो लिखा होता है ना, वो प्रेट पे या जूतों पे या जो चीज़ें ये तकिए और चादरें बेडशीट्स वगैरह इन पे होती है, कपड़ों पे नहीं, तो हार्डली 40-45 या 50 बहुत ज़्यादा भी जाए तो। तो अगर कंपनीज खुद बेच लेती हैं, वो कंपनीज पागल हैं कि वो जो 400-500 रुपये का ऊपर मजीद प्रॉफिट वो कमा सकती हैं उसको बेच के कपड़े को, और वो भी चुटकी में मिनटों में बिक जाता है उनका, स्टोर्स में इन लोगों को सिर्फ लगाने की देर होती है, साफ़ हो जाते हैं, तो वो क्यों इनको 50-50 रुपये में या 95% डिस्काउंट पे इनको देते हैं, फिर ये आगे 90% पे आपको देते हैं, या तो फिर ये अब्दुस्सारीदी साहब की तरह फ्लाई दारा चला रहे हैं, रफाई दारा चला रहे हैं, जो कि आपको ये 50% पे या 60% पे लेके आपको 95 पे या 90 पे देते हैं, यानी कि बुद्धू बनाने के लिए, बेवकूफ़ बनाने के लिए टाइटल दिए होते हैं। ये कपड़ा असल में सारा फेक होता है, सेम एज ओरिजिनल होता है, रेप्लिका तो नहीं कहेंगे, सेम एज ओरिजिनल और फेक होता है। पहले ये सेम एज ओरिजिनल के नाम से बेचते थे इसको, तो वो फिर सेम एज ओरिजिनल का जब नाम ले तो आपको पता है कि वो फिर दो नंबर में आ जाता है, तो कस्टमर इतना सेटिस्फाई नहीं होता था। अब इन्होंने क्या किया है कि सेम चक बना के उसका क्वालिटी लो कर देते हैं
और उसको ओरिजिनल कह के और प्राइस इतना अट्रैक्टिव देते हैं स्पेशली बेचने वाली जो लड़कियां हैं रीसेलर्स कि वो बेचारी भाग पड़ती हैं कि जी हमने घर में काम चलाना है। सिर्फ और सिर्फ ओरिजिनल कपड़ा आप लोगों को या कट पीस की सूरत में मिलेगा जो ब्रांडेड होता है, वो भी बड़ी हार्डली बड़ी मुश्किल से मिलता है, वो आपको बाजारों के चक्कर लगाने पड़ते हैं, वहाँ पर भी 20 दफ़ा फ्रॉड होता है। और या फिर आपको ये जो ओरिजिनल आपने लेने हैं बिल्कुल 100% ओरिजिनल, तो ये आपको मैंने 20 दफ़ा बताया है कि आपको जिस तरह ये सेल्स लगी हैं बड़ी 40% 50% 45% इस पर उठा लें और 20% कस्टमर को डिस्काउंट दे के तो बेच दें, उसमें 20 आपको बच जाएगा 20 कस्टमर को बच जाएगा। ये तरीकाकार है। बाकी ये जो जितने भी आपको ये ट्रॉले और ये दिखा रहे हैं ये सारा फेक है, सेम है ओरिजिनल कपड़ा होता है, उसको ओरिजिनल कह के बेचते हैं। जो नया बंदा होता है या तो उसको पता नहीं चलता, जिसको पता चल जाए वो एक दफ़ा रो पीट के फिर चुप कर जाता है। इसी तरह नए कस्टमर आते रहते हैं, शिकार फंसते रहते हैं, इनकी जो रोटेशन है वो चलती रहती है। तो ये सारा स्टोरी है, इसकी मैंने आपको बता दी है। अब आपको मेरे ख्याल में बार बार पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये कुलिया लागू कर लिया करें उसके ऊपर जो आपको दे रहा है ना कि जी मेरे पास ओरिजिनल है, तो ये कुलिया लागू कर लिया करें कि ये कुलिया है और ब्रांड ख़ुद भी बेच सकता है अगर वो इतनी कम प्राइस में इनको दे रहा है। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है इससे आपको फ़ायदा हुआ होगा। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।